आजकल के यूथ को इम्प्रेस करना है तो आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। हेलो एवरीवन, दुष्यंत जीत, वेलकम बैक टू माय चैनल फुल थोड़ा नाइन पर। आज मेरे पास तो ऑल न्यू 2023 हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक पर बात करेंगे, इसके प्राइस रिगार्डिंग, इसके फीचर्स रिगार्डिंग, इसके कलर ऑप्शन रिगार्डिंग। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले स्पेशल थैंक्स टू रोहन ऑटो राइडर्स। अगर आपको भी हीरो का कोई भी प्रोडक्ट देखना हो या फिर उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेनी हो, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप जाके कॉन्टैक्ट करके बहुत से मदद दे सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, मीट दी ऑल न्यू 2023 हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक। तो यार, प्राइस की बात करने से पहले आपको वेरिएंट के रेट थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन चाहूंगा, क्योंकि इसमें आपको दो वेरिएंट अवेलेबल हो रहा है, एक है आपका डिस वाला, दूसरा आपका ड्रम वेरिएंट। तो उस वाइज आपका जो प्राइस है वो 85,000 स्टार्ट हो रहा है, जो कि एक शोरूम प्राइस है। कलर ऑप्शन रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो मार्केट में इसका तीन कलर ऑप्शन अवेलेबल है। ये वाला आपका मैट एक्सिस ग्रे कलर है, सेकेंड वन इज कैंडी ब्लेजिंग रेड एंड थर्ड वन इज ग्लॉस ब्लैक। सो गो टू योर नियरेस्ट शोरूम, चेकआउट ऑल दी कलर्स। गाड़ी में सबसे बड़ा जो मेजर चेंज है वो आपको हेडलाइट सेक्शन में नजर आएगा, क्योंकि इसमें आपको ब्राइटर एलईडी हेडलाइट सेटअप देखने को मिल जाता है। यहाँ पे सेंटर में एक छोटा सा डीआरएल है, ऊपर आपको ब्लैक वाइजर देखने को मिल जाएगा। डीआरएल आप सभी को शायद पसंद आने वाला है, ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। ब्राइटर एलईडी हेडलाइट सेटअप देखने को मिल जाता है। डिज़ाइन में थोड़ा बहुत चेंजेस है, ब्लिंकर्स आपके आज यूजुअल नॉर्मल ही हैं। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फोक्स देखने को मिल जाता है। मडगार्ड की बिल्ड क्वालिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। गाड़ी के बोथ साइड में आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है विथ आईबीएस ब्रेकिंग सिस्टम। फ्रंट में आपको 18 इंचेस के अलॉयज देखने को मिल जाते हैं, एंड फ्रंट में आपको जो टायर मिल रहा है ये आपका सीट की तरफ से, जो कि ट्यूबलेस टायर है। अगर इसके साइज़ की गाड़ी में बात करूँ, जो कि 80/100 का है। बाइक का जो वेट है वो 122 kg है, एंड इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 180 mm का है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी आपको बहुत बड़ा मेजर चेंज नज़र आने वाला है, एंड ये आप सभी को पता होगा, आपको स्प्लेंडर एक्सटेम ही देखने को मिल जाता है। फुली डिजिटल सेटअप है। ये वाला आपका यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर मिलता है, उसी के नीचे आपको ओडोमीटर मिलता है। यहाँ पे आपको फ्यूल इंडिकेटर देखने मिल जाएगा, एंड ये जो खाली स्पेस आप देख रहे हैं इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन मिल रहा है। इसके लिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, हीरो राइड गाइड। जैसे आप कनेक्ट करते हैं तो आपको SMS एंड कॉल अलर्ट यहाँ पे शो करता है, एंड जैसे यहाँ पे मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, आपको ट्रिप वन, ट्रिप टू, साथ ही साथ रियल टाइम माइलेज भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको USB चार्जिंग सॉकेट देखने को मिल जाएगा, तो आप ऑन द गो अपना मोबाइल या फिर पावर बैंक दोनों को चार्ज कर सकते हैं। स्विच सेक्शन आपका एज यूजुअल नॉर्मल ही है। ये रहा आपका फास्ट लाइट का स्विच, एंड यहाँ पर आपका हेड डिपर का स्विच है, उसी नीचे टर्न्स का स्विच है, एंड उसी के नीचे हॉर्न का स्विच है, थोड़ा सा डिसेंट टाइप का हॉर्न है। इस साइड में आपको ICS का स्विच देखने को मिल जाएगा, एंड उसी के नीचे सेल्फ स्टार्ट का स्विच है। फ्यूल टैंक की कैपेसिटी 12 लीटर है, एंड ये रहा फ्यूल टैंक का लीड। फ्यूल टैंक के ऊपर आपको थोड़ा सा ग्राफिक में चेंजेस नज़र आने वाला है, मतलब स्टिकरिंग में। ये वाला आपका 3D वाला है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं एक्सटेक का स्टिकरिंग है, एंड यहाँ पे थोड़ा सा स्टिकरिंग में चेंजेस है, तो ये चीज़ भी आप सभी को बहुत ही पसंद आने वाला है। तो इसमें आपको टोटल 5-speed गियर बॉक्स देखने को मिल जाता है, मतलब फ्रंट में एक है बाकी पीछे 4। तो साथ ही साथ इसमें आपको सेंटर स्टैंड मिल रहा है, एंड साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ टैंक के ऊपर आपको E20 का स्टिकर देखने को मिल जाएगा। तो ये वाला जो पर्टिकुलर गाड़ी है आपका, अभी आप सभी को पता ही होगा गवर्नमेंट ने इशू कर दिया ये चीज़, BS6 का Stage 2 है ये, एंड इसमें आपका 20% इथेनल एंड रेस्ट 80% पेट्रोल होता है, तो उसे ही कंज्यूम कर सकते हैं, मतलब हर कोई ऑयल में ये कंफर्टेबल है। कमिंग टू द इंजन, तो ये जो इंजन आप देख रहे हैं ये आपका 126 का एयर कूल्ड इंजन है विथ फ्यूल इंजेक्टेड टेक्नोलॉजी अलॉन्ग विथ एक्सटेक टेक्नोलॉजी। पावर फिगर्स की अगर हम बात करें तो ये इंजन 7500 RPM में 10.7 BHP का पावर प्रोड्यूस करता है, एंड 6000 RPM में 10.6 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। सो इंजन का पावर डिलीवरी एंड पिकअप, ये बहुत चीज़ें मैं आपको राइड वीडियो के दौरान ही शेयर करने वाला हूँ। तो रियर में आपको हाइड्रोलिक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, जो कि मल्टी स्टेप एडजस्टेबल है, एंड रियर में आपको सेम 18 इंचेस के अलॉयज देखने को मिल जाते हैं। रियर में आपको जो टायर मिल रहा है ये भी आपका सीट की तरफ से, जो कि ट्यूबलेस टायर है। अगर इसके साइज की मैं बात करूँ, जो कि 90/90 का है। रियर से गाड़ी का लुक कुछ इस तरीके का है, ब्लिंकर्स आज यूजल आपके हैलोजन वाले ही हैं। रियर में आपको सिंगल ग्रैब रेल देखने को मिल जाएगा, जो कि बॉडी कलर से मैच करता है, एंड ये स्ट्रॉन्ग है। सिंगल सीट मिल रहा है, सीट का कंफर्ट एंड हैंडलिंग, ये बहुत चीज़ें मैं आपको राइड वीडियो के दौरान ही शेयर करने वाला हूँ। तो अभी मैं आप सभी को इसका एग्जॉस्ट नोट एक बार सुना देता हूँ, देन विल राइड दिस न्यू मशीन। Gentlemen, let's start the engine. तो आप सभी को इसका एग्जॉस्ट नोट कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए इसका इनिशियल पिकअप चेक कर लेते हैं कैसा क्या है। वो तो इनिशियल पिकअप की बात करें बहुत ही डिसेंट सी है, लेकिन पावरफुल है। आप सभी को बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि आपका जो
BHP है एंड जो टॉर्क है ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम है, बस पॉइंट से थोड़ा सा वेरी कर रहा है वो। सो टर्न्स में आप सभी को बहुत ही मजा आने वाला है, गाड़ी को मैनुअल करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा आप सभी को। तो अभी थोड़ा सा क्लच की रेटिंग हम बात कर लेते हैं। क्लच आपका बहुत ही स्मूथ है, गियर डाउन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, गियर अप करने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है, एंड इसमें आपको थोड़ा 5-speed गियर बॉक्स मिल रहा है। ब्रेकिंग टेस्ट थोड़ा सा और आगे चल के हम करने वाले हैं। ऐसे रोड के ऊपर गाड़ी एकदम मक्खन है, तो अभी थोड़ा सा आगे रंबल्स आ रहा है। सो सस्पेंशन का रेस्पॉन्स भी आपसे भी एक बार देख लीजिए कैसा क्या है। ओके, पहला वाला रंबल एंड मेरे पीछे पिलियन भी है। ओके, क्वाइट गुड, स्मूथ है सस्पेंशन। सेकेंड रंबल थोड़ा सा बड़ा वाला, वाओ, नाइस एंड सॉफ्ट। फिर से एक रंबल आ गया। ओके, क्वाइट गुड। सो रंबल्स पर भी सस्पेंशन अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। तो यार वीडियो डिले इसी वजह से हो रहा है क्योंकि मेरे सिटी का जो वेदर है थोड़ा सा ख़राब है। अभी आप धूप देख रहे हैं, थोड़ी देर पहले अच्छा खासा बारिश हो रहा था, मतलब यही इशू है। कौन सा महीना चल रहा है, क्या चल रहा है, उसका कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। मतलब ठंड के महीने भी थोड़ा सा बारिश हो सकता है, ठंड में महीने में ज़्यादा धूप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। क्लाइमेट का पूरा हालत ही ख़राब है अभी तो। ओके, थोड़ा सा अभी इसका वाइब्रेशन टेस्ट करेंगे, उसके बाद ही ब्रेकिंग टेस्ट करेंगे। चलिए फुल थ्रॉटल देने की कोशिश करेंगे। ओके, कुत्ते का बच्चा, मेरे को पता है। ओके, एक छोटा सा शायद लाइव एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पर, और वो क्यों हुआ है मुझे नहीं पता। आई होप कि सब सही सलामत हो। ओके, ये क्यों होता है मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ। ये वाला एक टर्निंग पॉइंट है एंड लोग बहुत इरेस्पॉन्सिबल यहाँ पे चलाते हैं, मतलब टर्न्स वगैरह लेते हैं, अचानक से मुड़ जाते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहीं पर आके इसने इंडिकेटर दिया है एंड राइट टर्न ले रहा है, इसी की वजह से एक्सीडेंट होता रहता है। ओके, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, जैसे कि मैं आप सभी को बता रहा था, तो मैंने ऑलमोस्ट फुल थ्रॉटल दिया था। वाइब्रेशन जो है वो हल्का सा मुझे फुट टेस्ट एरिया पे फील हुआ, ना कि आपका हैंडल पर। एंड यहाँ पे रील्स वगैरह बन रहे हैं अभी, अपकमिंग सुपरस्टार्स एंड इन्फ्लुएंसर्स। थोड़ा सा और आगे चल के हम ब्रेकिंग टेस्ट करेंगे, उसका रेस्पॉन्स कैसा क्या है वो भी हम सब देखने वाले हैं। ओके, सो रियर बैक का बाइट आप क्वाइट गुड बोल सकते हैं, रेस्पॉन्स टाइम ठीक ठाक है, क्योंकि इसमें आपको IBS का ब्रेकिंग सिस्टम मिल रहा है। IBS आपका वही CBS होता है, मतलब कॉम्बी ब्रेक वाला ब्रेकिंग सिस्टम। सो इससे भी आप इंप्रेस होने वाले हैं। थोड़ा सा और आगे चल के हम फ्रंट का ब्रेक चेक करेंगे कैसा क्या है। ओके ओके, क्वाइट गुड। सो फ्रंट का ब्रेक उस पर काम किया गया है एंड रेस्पॉन्स टाइम भी बहुत ही ओके है इसका। चलिए थोड़ा सा और आगे चल के ओवरऑल स्टॉपिंग पावर देखेंगे कैसा क्या है। वो सर, ओवरऑल स्टॉपिंग पावर से आप खुद इंप्रेस होने वाले हैं, क्योंकि मैं हो गया हूँ। IBS का ब्रेकिंग सिस्टम मिल रहा है, दोनों साइड आपको ड्रम वेरियंट का ब्रेकिंग सिस्टम मिल रहा है, लेकिन 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 ब्रेकिंग बहुत ही एनहांस हो चुका है, हीरो ने इसमें बहुत सारा काम किया है। एंड दैट टू भी बहुत सारे लोग मेरे यहाँ पे कमेंट करते हैं कि यार ब्रेकिंग उतना अच्छा नहीं जितना आप बोलते हो। तो यार एक चीज़ है, ब्रेकिंग आपको टाइम टू टाइम मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक बार आपने कर दिया, शोरूम से ले आए, आप ले आए उसको चेकिंग करवाइए, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है, कभी कभी वो एडजस्टेड नहीं होता है। सो प्लीज़ उसे चेकअप करवाइए, ये आपके लिए सही रहेगा।
चलिए अभी थोड़ा सा सीट के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। सीट नाइस एंड सॉफ्ट है, सीटिंग पोजीशन इसका बहुत ही अच्छा है। लॉन्ग राउंड के दौरान या फिर लॉन्ग राइड के दौरान भी आपको ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। हैंडल ज़्यादा वाइड नहीं है, ज़्यादा शॉर्ट नहीं है, ये चीज़ भी आप सभी को बहुत ही पसंद आएगा। इस गाड़ी में जो नया वाला अपडेट है वो ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ। LED वाले हेडलाइट सेटअप हैं जो कि विथ ब्राइटर LED एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिजिटल वाला है। इसको आप स्मार्ट कनेक्टिविटी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब देखो यार, उसे बोलते हैं राइड गाइड, जो कि आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा, उसे डाउनलोड करना है, मोबाइल के साथ कनेक्ट करना है। इसमें आपको SMS अलर्ट एंड कॉल अलर्ट शो करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैं कवर कर चुका हूँ। इनमें से कौन सी चीज़ें आप सभी को अच्छी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं हर कोई कमेंट पढ़ता हूँ, उस पर रिप्लाई भी करता हूँ। तो मैंने आप सभी को बताया था इस गाड़ी में आपको साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर मिला है। तो वो कैसे काम करता है वो भी मैं आप सभी को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप सभी में से बहुत सारे इंक्लूडिंग मेरे से भी ये गलती कभी कभी हो जाती है। तो जैसे हम चाबी ऐसे ऑन करते हैं, साइड स्टैंड बिना हटाए गाड़ी को स्टार्ट करके भगा के ले जाते हैं, लेकिन ये चीज़ यहाँ पे नहीं होने वाला है क्योंकि यहाँ पे आपको साइड स्टैंड इंडिकेटर दिखा रहा है ऑन है। तो सिंपली आपको साइड स्टैंड हटाना है एंड देन यू आर गुड टू गो। तो ये वाला सेफ्टी फीचर आप सभी को कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइज, आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो। जस्ट लाइक, कमेंट, शेयर and subscribe the channel for more updates. Till then, respect, ready, ride, wear all the gears. Meet in the next video. Ta-da!